तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूं। तो मैंने सर को देखा, सर क्लासेस में बहुत इंगेज रहते हैं तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो मैंने बिल्कुल वो मॉक की तरह ही दिया, मैं भूल गई थी कि एग्जाम है ये, और देखते ही देखते सब कुछ हो गया। चलिए एक नई स्टूडेंट से मिलते हैं, निमसेट 22 की टॉपर से हर्षा झा से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 147 है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है, और जो कि निवाड़ी एमपी से हैं। तो हर्षा, सबसे पहले तो आपको 147 और एनआईटी त्रिची के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हर्षा, आपने क्योंकि ये पढ़ाई की है पूरे साल, इंटायर जर्नी जो आपकी है सक्सेस की जो है, किस ढंग से पढ़ाई की, क्या क्या आपने इम्पोर्टेंट चीजों को ध्यान रखा, वो सब मैं चाहूंगा आप डिटेल में बताओ, आपकी सक्सेस की क्या है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हर्षा एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 147। तो मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर जब जनवरी में 2021 में जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एमसीए करूंगी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन मैथ्स में करी थी और मेरा मैथ्स में मास्टर्स करने का बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने सोचा कि एमसीए करते हैं। और क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन डीयू से करी थी तो मैंने सोचा कि मास्टर्स भी डीयू से ही करते हैं, तो मैंने डीयू के लिए सोचा कि उसके लिए प्रिपेयर करते हैं एमसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो मैंने उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, पर वो मेरा नहीं हो पाया, रिजल्ट उसमें नहीं आया। और एग्ज़ाम भी उस टाइम बहुत लेट हो गया था, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था और फिर नवंबर में उसका रिजल्ट आया था। तो फिर उस टाइम तक मैं काफ़ी लेट हो चुकी थी और मेरे पास कुछ था भी नहीं, मतलब ड्यू भी क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आगे क्या करूँ कैसे। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, फिर मैंने सोचा कि अब ड्रॉप ही ले लेती हूँ क्योंकि निमसेट है और अगर टॉप एनआईटी कोई मिल जाता है तो प्लेसमेंट्स अच्छे हो जाते हैं और फिर वो लाइफ टाइम के लिए पूरा सही रहेगा प्लेसमेंट्स अच्छे हो गए। तो फिर मैंने वही कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च करे बहुत सारे और मैंने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में डेमो भी लिए, डेमो क्लासेस। पर मुझे फिर इम्पेटस का ही सबसे अच्छा लगा क्योंकि सर क्योंकि मैंने जब इम्पेटस के डेमोज देखे तो मैंने सर को देखा, सर क्लासेस में बहुत इंगेज रहते हैं तो कंसंट्रेशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता और क्लास करने में मज़ा आता है बहुत। तो फिर मैंने नवंबर में ही सर का कोर्स ज्वाइन कर लिया। नवंबर में मैं भोपाल आई थी ऑफलाइन कोर्स लेने के लिए, पर फिर मुझे यहाँ पे देख के लगा कि मुझे थोड़ा सेटल होने में यहाँ पे टाइम लग जाएगा और क्योंकि इतना टाइम मेरे पास था नहीं, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी निमसेट के लिए। तो फिर मैंने ऑनलाइन लेने का ही सोचा और सर से बात करी तो सर ने भी बोला कि ऑनलाइन लेके देख लो, अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है घर पे तो फिर ऑफलाइन स्विच कर लेना। तो मैंने ऑनलाइन ही लिया, पर ऑनलाइन में भी जब मैं घर पे गई तो मैंने ट्राई किया कि मैं ऑफलाइन वाले स्केड्यूल फॉलो करूँ जो सर का होता है सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। तो मैंने 2-3 महीने तक वही फॉलो किया, सुबह 8 बजे से मैं बैठती थी, फ़ोन बिल्कुल साइड में रख देती थी और जो भी सर का होता है मतलब लंच वगैरह टाइम पे ही वो सब मैं करती थी और रात को 8 बजे तक मैं पूरा पढ़ती थी क्योंकि मेरा पोर्शन बहुत कुछ छूट गया था, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री वो सब मेरा सब कुछ छूट गया था और मुझे पूरा कवर करना था। तो 2-3 महीने में मैंने वो कवर कर लिया, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, मतलब सबके साथ आ गई थी, ट्रैक पे आ गई थी कि हाँ अब मैं मतलब कुछ भी मेरा छूटा नहीं है। तो फिर जब मैं मेरा ट्रैक पे आ गया सब कुछ, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ती हूँ। तो फिर मैंने अपने हिसाब से सब कुछ मैनेज किया और फिर मैंने कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रखा, मतलब कभी मैं रात में पढ़ रही हूँ लेट तक 2-3 बजे तक और कभी मैं सुबह पढ़ रही हूँ 4 बजे 5 बजे से उठ के, तो ऐसा मेरा रहता था। और वही सर के डीपीटी सारे सॉल्व करे, मेरे पास कोई भी बुक नहीं थी, ही नहीं, मैंने कोई खरीदी भी नहीं थी क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था उतना और सर का मटेरियल भी बहुत ज़्यादा था, वही सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता था और 4-5 बार मैंने वो सॉल्व करे हैं सारे मटेरियल और मॉक भी सारे दिए हैं, टाइम पे ही सारे सब कुछ दिए हैं और सर के वही मॉक्स के एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, सर पीपीटीज एंड मॉक्स ही कर रहे हैं और देखते ही देखते सब कुछ हो गया। और सर की मुझे बात, जब मैं मॉक वो टेस्ट देने गई सर की मुझे सारी बातें याद थी, सर ने जैसे बोला था कि मॉक की तरह ही देना, बिल्कुल मॉक जैसे ही होगा, तो मैंने बिल्कुल वो मॉक की तरह ही दिया। मैं भूल गई थी कि एग्ज़ाम है ये और पूरा मॉक की तरह दिया और बस देखते देखते हो गया। देखिए, जैसे अभी हर्षा ने बताया कि लास्ट ईयर क्योंकि इन्होंने डीयू के एग्जाम पे ज्यादा फोकस किया था, बाय चांस नहीं हुआ, देन इन्होंने फिर पूरे साल प्रिपरेशन की घर पे रह के, और ऑनलाइन और ऑफलाइन इम्पिटस के साथ ही अच्छी बात है। तो क्योंकि इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन होते हुए भी वही शेड्यूल फॉलो किया जो कि क्लासरूम वाले बच्चे करते हैं, उसका आपको रिजल्ट भी मिला। और दूसरी बात ये कि देखो, आप सब लोग एक बात याद रखो, आप कभी भी ज्वाइन करो, चाहे आप अभी करो चाहे 6 महीने बाद, आप जितना लेट करोगे आपको उतना पीछे से कवर करना होगा। तो मैंने हर्षा को यही बोला
कि आप चाहो तो बाद में भी जो ये पढ़ा मैंने पढ़ा दिया वो आप बाद में भी कवर कर सकते हो, पर अभी कर लोगे तो बाद में टेस्टिंग में टाइम मिलेगा। इसने इस बात को माना और उसको फॉलो किया, उसका फायदा मिला। अच्छा हर्षा एक बात बताओ, आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था और आप बहुत छोटी सी टाउन से हैं, तो ड्रॉप लेने का एक डिसीजन पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? और दूसरा ये कि ड्रॉप का कोई प्रेशर था कि नहीं, क्योंकि गर्ल्स के साथ अक्सर ये होता है। मैं चाहूंगा आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए कि या तो वो ड्रॉप ले नहीं पाती, कई बार फैमिली सपोर्ट नहीं होता या घबराती, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? ड्रॉप लेने में डर तो लग रहा था क्योंकि पता नहीं होगा या नहीं, ये बहुत रहता है मन में। पर फिर मेरा ये था ना, लास्ट ईयर मेरा IGTTW एक एग्जाम होता है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, वो मेरा लास्ट ईयर क्लियर हो गया था, पर फिर वो मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे था कि नहीं, अगर NIMCET नहीं निकला तो मेरा एटलीस्ट वो तो हो ही जाएगा, तो एज अ बैकअप मैं उसको कंसिडर कर रही थी। पर फिर मैंने सोचा कि अब जब मैं अपना 100% दूंगी तो क्यों नहीं निकलेगा, निकलेगा ही। और फिर जब सर का गाइडेंस था और फैमिली से भी मुझे कोई ऐसा प्रेशर था नहीं, बस खुद का ही जितना था प्रेशर वही था, और वो भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि प्रेशर से वैसे भी पढ़ाई होती नहीं है बिल्कुल भी। तो फैमिली से भी प्रेशर नहीं था और फिर सर का भी, मतलब सर बताते रहते थे कि हो जाएगा आराम से और ठीक से करो तो हो ही जाता है, फिर वो हो भी गया। तो ड्रॉप लेने में मुझे कोई, मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी कि नहीं लेना चाहिए, फैमिली से सपोर्ट था और फिर मेरा आराम से मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं ड्रॉप ले लेती हूँ एक साल के ड्रॉप से, क्योंकि फिर ज़्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। और अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, लाइक जैसे मुझे त्रिची अलॉट हो गया है, तो उससे अच्छा अब क्या ही हो सकता है, ड्रॉप का निकल आया ना वो फायदा। तो देखिए हर्षा ने बिल्कुल सही बात बोली कि जो साल, कई लोग बोलते हैं कि ड्रॉप लेने से एक साल खराब होता है, मैं बोलता हूँ ये इन्वेस्टमेंट ईयर है, खराब नहीं होता, ये इन्वेस्टमेंट आपको आपकी लाइफ को कई गुना आगे पहुंचा देता है। दूसरा ये कि एक अच्छी सक्सेस जो होती है ना वो इंटायर लाइफ काम आती है, कि हम, हमारे अंदर अब कॉन्फिडेंस है, अब आप आगे कुछ भी करोगे ना तो ये जो समय है आप हमेशा इस कॉन्फिडेंस से आगे कुछ कर पाओगे। सर आपने मुझे एक बात भी बोली थी जब मैं ऑफलाइन लेने आई थी, जब मैंने आपको बताया कि मेरा DU नहीं हुआ और मैंने वो IGTTW छोड़ दिया, सर ने मुझे बोला था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आप देखना आपको इससे अच्छा मिलेगा। तो मुझे उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया और सर की वो बात मुझे हमेशा याद रही और फिर मैं उसको ही फॉलो करती रही, अपना पढ़ती रही। मैंने बिल्कुल टेंशन नहीं ली कि कौन सा NIT मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री थी, घर से भी प्रेशर नहीं था और सर भी बोलते रहते थे कि बिल्कुल छोड़ दो, कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है कि आप अपना पूरा बेस्ट दें, अपना 100% दें, आपको फिर हार्ड वर्क किया है तो उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब NIT त्रिची में भी ऐसे ही टॉप करो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।